मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र राशि चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि पंचम भाव के कारकत्व कौन कौन से हैं, पंचम भाव से क्या क्या देखा जा सकता है, क्या क्या जानकारी कुंडली में हमें पंचम भाव से मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पंचम भाव ज्योतिष में कुंडली में बुद्धि विवेक याददाश्त के लिए प्रचलित है। इसके अलावा पंचम भाव से हम अपने संतान के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पंचम भाव से प्रेम संबंध की जानकारी हमें मिलती है। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना होगा, आत्मविश्वास कितना होगा, यह भी हमें पंचम भाव से ही पता चलता है। इसके अलावा प्रमोशन होना, यह भी पंचम भाव का कारकत्व है। यदि पंचम भाव मजबूत अवस्था में है तो समय समय पे व्यक्ति का प्रमोशन होता रहता है। इसके अलावा पंचम भाव से मंत्र पूजा इसका भी जो है पता चलता है। पंचम भाव जनता का प्रेम है, जनता का पैसा है। यदि आप राजनीति वगैरह में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं या मीडिया के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ऐसे में पंचम भाव का मजबूत होना भी अनिवार्य हो जाता है। पंचम भाव प्रेम संबंध के साथ साथ स्त्रियों में गर्भ का भी कारकत्व पंचम भाव के पास है। इसके अलावा मासिक धर्म पीरियड्स जो रेगुलर या इनरेगुलर हो जाते हैं स्त्रियों के, वह भी पंचम भाव की स्थिति पर निर्भर करता है कि यदि पंचम भाव मजबूत है तो यह प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर पंचम भाव कमजोर है तो आए दिन यह दिक्कतें उत्पन्न होती रहेंगी। पंचम भाव हमारा सिक्स्थ सेंस का होता है, छठी इंद्री का होता है। पंचम भाव से कुटुंबियों का सुख की जानकारी हमें मिलती है। पत्नी की सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में कैसी रहेगी इसकी भी जानकारी हमें पंचम भाव से मिलती है। इसके अलावा यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको कितना लाभ होगा यह जानकारी भी हमें पंचम भाव से मिलती है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो वह पार्टनरशिप आपके लिए फायदेमंद साबित होगी या पार्टनर आपको धोखा देगा, यह भी पंचम भाव से हम जान सकते हैं। पंचम भाव छोटे साले का, छोटी साली का भाग्य भी आप अपने कुंडली के पंचम भाव से जान सकते हैं। छोटे भाई बहनों की जो पत्नी है उनका भाग्य भी आप पंचम भाव से देख सकते हैं। आप कितने स्वाभिमानी होंगे यह भी पंचम भाव की स्थिति देखकर पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप कितने घमंडी होंगे यह भी पंचम भाव का कारकत्व है। आपके पंचम भाव से यह मालूम हो जाएगा कि आपके अंदर घमंड है या नहीं है। इसके अलावा पंचम भाव जो है हमारे पेट का और हार्ट का होता है। यदि पंचम भाव मजबूत है तो ऐसे में हार्ट से संबंधित समस्या या पेट से संबंधित समस्या हमें कभी नहीं होती है। किंतु यदि पंचम भाव पाप प्रभाव में आ जाए, पीड़ित है, अशुभ ग्रहों से युक्त है, दृष्ट है, तो ऐसे में जातक को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और समय पे हार्ट अटैक हो भी जाता है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं किसी अन्य विषय की चर्चा के साथ। नमस्कार।